दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए, कोरोना वायरस की जो महामारी इस वक्त पूरे देश में फैली हुई है, दुनिया में फैली हुई है, उसके चलते एहतियातन तौर पर अजमेर के एसपी कुमार राजदीप सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। और उन्हीं दिशा निर्देशों के चलते जो अजमेर में जो थाने हैं उनके जो थाना अधिकारी हैं वो अब भीड़भाड़ वाली जो जगह है, जैसे कि आज डीमार्ट स्टोर पुलिस गई है, गंज थाना पुलिस और वहां पर किशनगंज थाना पुलिस और वहां पर थानाधिकारी और जो जाप्ता वहां गया था, वहां पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया। डीमार्ट में जो लोग आए हुए थे और उसके साथ डीमार्ट के जो कर्मचारी थे उनको समझाया गया कि आखिरकार कोरोना वायरस से कैसे बचना है, और उनको एहतियात भी दिया गया है। उनको ये भी कहा गया है कि जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही वो ग्रोसरी का आइटम, जरूरत की जो चीजें हैं वो लेने के लिए बाजार निकले और अपने घर के घर में ही रहें। और सबसे खास बात यह है कि पुलिस ने एक तरीके से कोशिश ये भी की है इस वक्त कि जो फेक मैसेज इस समय व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर फेक न्यूज बहुत वायरल हो रही है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सरकारी कर्मचारी जो हैं वो घर पर सैनिटाइज करने के लिए आ रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं एक भी ठगी की वारदातें भी सामने की आ रही हैं, ऐसा व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर कहा जा रहा है। और उसी को लेकर पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी आदमी इस वक्त आपके घर नहीं आ रहा है सैनिटाइज करने के लिए। जो निगम, जैसे कि विकास प्राधिकरण, ये जितनी भी प्रशासनिक टीमें हैं वो जब आ रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें आ रही हैं, तो केवल और केवल आपके घर के अंदर नहीं आ रही, एक सीमाएं हैं वहां तक ही उस काम को अंजाम दे रही हैं। तो लोगों से समझाइश की कोशिश राजस्थान पुलिस इस वक्त कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार ने जो आदेश दिया है, धारा 144 पूरे राजस्थान के अंदर लगी हुई है, उसकी पालना के लिए पुलिस ने कदम उठाया है। शहर में बाकी इलाकों से भी कुछ खबरें हमारे पास इनपुट ऐसे आ रहे हैं, आरपीएससी के बाहर जो भीड़ लग रही थी उन भीड़ को भी वहां से पुलिस ने खदेड़ा है, वहां से हटाया है। और लोगों से इस वक्त पुलिस अपील कर रही है कि लोग अपने घर से बाहर तभी निकले जब उनको बहुत ज्यादा किसी चीज की जरूरत हो, उनको लेनी हो। और इन छुट्टियों का फायदा घूमने फिरने में ना उठाएं बल्कि अपने घर के अंदर ही रहें, क्योंकि पुलिस स्पष्ट तौर पर यह कह रही है कि जब दूसरे देशों के अंदर जब स्वास्थ्य सेवाएं बेहतरीन तरीके की हैं तो हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा होने के चलते हमको कहीं ना कहीं इससे लड़ने के लिए अपने घर पर ही रहना है, घर पर ही अपनी देखभाल करनी है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमण से है तो उससे किसी भी अन्य व्यक्ति को ये वायरस फैल सकता है। और इसीलिए अजमेर पुलिस जागरूकता अभियान जगह जगह पर चला रही है, जहां पर भी भीड़ की स्थिति पैदा हो रही है वहां पर जाकर जागरूकता अभियान चला रही है और वहां पर लोगों से समझाइश कर रही है कि एक साथ लोग वहां पर एकजुट ना हो, सभी लोग अपने घर पर ही रहें। दिशा निर्देश राज्य सरकार जो दे रही है वो आप उनका फॉलो करें और अपने आप को भी बचाएं, अपने रिश्तेदारों को बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। इसको मजाक नहीं समझें, इसको गंभीरता से लें, ठीक है? क्योंकि ये कितने दिनों से, 15-20 दिनों से ये चीज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मैंने सिर्फ 2 या 3-4 लोगों के मास्क देखे हैं। तो इसको गंभीरता से लें। आज अपने बीच में भी लोग खड़े हैं तो इनमें से कौन इन्फेक्टेड है अपन को नहीं पता है। वो कहीं भी याद रख रहा, कोई सामान उठा रहा, वापस रख रहा, उसको हो सकता है उसमें भी वायरस हो, वो अपने हाथों में आएगा, अपन को पता चलेगा 15 दिन। इसलिए, और इसका कोई उपचार नहीं है, एक बार संक्रमित होने के बाद में बहुत गंभीर ये मसला है, जिसकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा है वही बचेगा। ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है वो इससे नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए सावधानी रखें, भीड़ भाड़ से बचें। और आज जब आदेश कर दिए पूरे राजस्थान में धारा 144 के, 5-7 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो एक जगह। हमने इनको भी गाइडलाइन जारी की है सारे स्टोर्स को, चूंकि ग्रोसरी आइटम, दैनिक दिनचर्या की जो चीजें हैं वो आवश्यकता है, इसलिए हमने इनको बंद नहीं कराया है। हमने इनको कहा कि आप इनको टोकन सिस्टम जारी करें और बारी बारी से 25-30-40 लोगों से ज्यादा अंदर नहीं आने। इनको भी हमने कहा है कि हर चीज, हर बार जो एक बार यूज होगी ट्रॉली, उसको दोबारा ये सैनिटाइज करेंगे, आपको भी सैनिटाइज करेंगे, इसके अलावा टेम्परेचर लेके अंदर अलाउ करेंगे। लेकिन ये चीज केवल इनके लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी है। आप अपना बचाव खुद करें और जागरूक करें। दूसरी बात, व्हाट्सएप पे कई डॉक्टर पैदा हो गए हैं, अलग तरह से वो भ्रांतियां पैदा करते हैं, इसके बाद में वो भ्रांतियों के चक्कर में नहीं रहे। वो अलग अलग राय देंगे, कुछ देंगे, कुछ कहेंगे कि साहब ये प्रोपोगंडा है, कोई कह रहा है कि साहब मास्क की बेचने वाली कंपनियों का ये प्रोपोगंडा है। नहीं है, अगर ये प्रोपोगंडा होता तो इतने हजारों लोग मरते नहीं। इसलिए आप लोगों से हमारा निवेदन है। दूसरा, इसी
अपना देश ऐसा देश है कि यहाँ तो अगर महामारी, बीमारी, मौत, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा को भी लोग लूटने का साधन बनाते हैं। तो अब आपने एक आध वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बताया गया कि ये सरकार की तरफ से कर्मचारी बनते हैं कि हम आपका घर सैनिटाइज करने आए हैं, ये करने ऐसा करके ठगते लूटते या क्लोरोफोन सुना के वो कुछ करते हैं वारदात, इनसे भी बचे। और व्हाट्सएप पे तरह तरह के मैसेज आएंगे, इस पे क्लिक करो, ये करेंगे, हम आपका घर इसमें सैनिटाइज कर देंगे, ये ऑफर आपको मिल रहा है, इनसे ऑफरों से तो बचे, लालच से बचे। पर डे हमारे पास जो रिपोर्ट आती है वो हर चार पांच रिपोर्टें आती है पर डे की, जो लालच के कारण लोग अपने जो पास जो पूंजी होती है वो भी गवा बैठते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी आपको बिना वजह चार गुना फायदा नहीं देगा, इसलिए इसको ध्यान रखें। इनका कभी भी ये अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करें, अपनी जो जानकारी है ओटीपी वो शेयर भी नहीं करें। पर अभी ये चीजें कहने की नहीं, अभी सिर्फ कोरोना वायरस से बचने के लिए है, तो आप इनकी पालना करें और ज्यादा से ज्यादा अपना सामान, ग्रोसरी आइटम आप ले जाएं, बार बार बाजार में आने से बचें और बार बार लोगों के बीच में घूमने से बचें, नए इधर उधर जाएं, सफर करने से बचें। बहुत जरूरी हो, आपको जाना बहुत जरूरी हो तो पूर्ण सावधानियां बरतने के बाद में ही आप घर से निकलें। क्या सहमत है आप लोग इस चीज से? तो आप यही है कि आप भीड़ भाड़ अनावश्यक मतलब भीड़ भाड़ में जाने से बचें और अपने अपना जो ग्रोसरी का आइटम है वो स्टोर करके रखें घर में, और बहुत जरूरी हो तब निकलें। और इसको पिकनिक और सैर सपाटा करने के लिए ये छुट्टियां इसलिए नहीं समझे आप लोग, ठीक है? ओके, अब आप अपना काम कीजिए और बहुत कम समय में अपना सामान लें और बहुत कम समय में अपने घर पहुंचे। जितना आप बाहर के संपर्क में कम रहोगे उतनी ही आपकी बचने की प्रायिकता ज्यादा रहेगी। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।